मॉर्निंग एवरीवन, आज डे है ट्यूसडे और हम आज का हमारा प्लान है कुछ। पहले तो मैं बाइक ठीक कराने जा रहा हूँ और अभिषेक भाई पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं और अपना डाटा वगैरह संभाल रहे हैं सारा। अभिषेक भाई अपना डाटा भी लगे होते हैं। तो अभी आऊँगा फिर मैं वापस बाइक ठीक करा के, उसके बाद फिर हम निकलेंगे वापस कल्पा के लिए। कल्पा जाएंगे आज रात, कल्पा रुकेंगे जाके और फिर कल्पा के नज़ारे दिखाएंगे सबको। बाकी आगे का प्लान हमारा कुछ वो है नहीं खास, क्योंकि लॉकडाउन है दिल्ली में, तो प्लान कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है कि जाए ना जाए। तो पेरेंट्स तो बोल रहे हैं रुक जाओ, अभी जान आने की नीड क्या है। तो अभी चलते हैं बाइक ठीक कराते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, सामान वगैरह पैक कर दिया, लोड कर दिया, खाना खा दिया, बस पेट्रोल डलवाना है, फिर निकलते हैं। बाइक ठीक हो गई थी सुबह और मैंने उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अकेला था सामान नट वगैरह खोलने में सारे। अब निकलते हैं यहाँ से, बड़ा पेट्रोल डलवा लें, आज कल्पा पहुँचना नहीं तो रिकाउंट किया। दोस्तों इस साइड मॉनेस्ट्री है काजा की, ये रही। हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। बाय बाय काजा, फिर आएंगे फिर कभी। रास्ता देखिए कितना ख़राब है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि हम आते वक्त तो रात के टाइम आए थे तो हमें पता ही नहीं लगा इतना पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। पीछे तो इससे भी ज़्यादा गंदा पैर था। मैंने ग्लव्स पहन लिए इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाया। हम ग्लव्स उतार रहे हैं, अगर तो आपको दिखाऊं। मम्मी है ऊपर जो आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। तो जो भाई अब तक देख रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चाहिए। तो अरे यार ज़रूरी है, उससे आपके भाई को सपोर्ट मिलेगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और आगे भी राइड्स मारने हैं कहीं। तो अभी मैं काजा से नाक की तरफ जा रहा हूँ और वेदर देखिए कितना ख़राब हो गया, नाको अभी भी काफ़ी पड़ा है, अभी भी डिस्टेंस काफ़ी एक घंटा लगेगा और वेदर देखिए सामने पक्का बर्फ पड़ने वाली है, सामने तो एक्चुअल में पड़ ही रही है। और देखिए सामने
दोस्तों फाइनली नाको पहुंच गए हैं और मोटे यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब है और हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ रही थी, तो देखते हैं अभी रुकते हैं यहाँ खाने के लिए या फिर आगे निकलना है। लगता है भाई वही सलाह कर रहे हैं आगे खड़े होकर। हाँ भाई क्या प्लान है, खाना है कुछ? देख लो बताओ क्या करना है। रोक लो यार रोकते हैं। चलो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। बर्फ़ पड़ रही है, हम इस टाइम नाको में हैं। देखो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। पूछो मत, बुरी हालत है। ओ भाई क्या बर्फ है यार। ओ भाई जान निकल रही है ठंड के मारे, फटाफट निकल यहाँ से। ओ भाई हालत खराब है, हालत खराब है भाई। हम अभी यहाँ से नाको से निकल रहे हैं पो के लिए। बर्फ देखो कितनी है, पूरी बाइक भर गई है भाई। बस निकले यहाँ से फटाफट, नहीं तो फंस जाएंगे यहाँ पे, फिर निकल नहीं पाएंगे। और पहुँचना है हमें कल्पा तक, 7-8 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। चलिए फटाफट निकलते हैं क्योंकि मैं कैमरा वगैरह बंद रख रहा हूँ, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। दोस्तों इतनी बारिश में हम काजा से चले थे और शाम के 6 बज रहे हैं, हम स्पिलो पहुँचे हैं। तो आज शाम को यहीं रुक रहे हैं, अभी कल सुबह चलेंगे यहाँ से क्योंकि बारिश हो रही है और हम तकरीबन गीले हो गए हैं सारे। तो यहीं पर रेस्ट मार रहे हैं क्योंकि भाई भी गीले हो गए हैं सारे और मैं भी, और ठंड लग रही है। तो यहीं रुकते हैं, बहुत अच्छी विलेज है छोटी सी, तो यहीं रुक रहे हैं आज, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। चलिए आपको रूम दिखाते हैं अब इसके बाद। भाई आ जाओ